अभिनेता व फिल्म क्रिटिक्स कमाल राशिद खान पर एक मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने केआरके के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह वारंट केआरके के कोर्ट में हाजिर नहीं होने के लिए जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई मई महीने की 10 तारीख को होगी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, जिसमें कमाल राशिद खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल ये मामला 2021 का है, जब केआरके ने अपने विभिन्न ट्विटर हैंडलों से अभिनेता मनोज बाजपेयी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। केआरके ने मनोज बाजपेयी को चरसी और गंजेड़ी तक कह दिया था। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने तब कमाल राशिद खान के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था और पिछली कई सुनवाइयों के दौरान केआरके अदालत में मौजूद नहीं रहे, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इस पूरे मामले को लेकर मनोज बाजपेयी के वकील का कहना है कि कमाल आर खान को इस केस की जानकारी है, लेकिन वो जानबूझकर मौजूद नहीं रहते हैं। वहीं कमाल आर खान के वकील का कहना है क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर स्टे लगा देना चाहिए। 13 दिसंबर 2022 को केआरके की याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने केस को रद्द करने की अपील की थी। खान के वकीलों की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने कभी भी जानबूझकर मनोज बाजपेयी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। बात जहां तक ट्विटर हैंडलों की है, तो उनमें से एक केआरके बॉक्स ऑफिस को केआरके ने पहले ही बेच दिया था। बात अगर मनोज बाजपेयी के वर्क फ्रंट की करें, तो हाल ही में मनोज बाजपेयी की फैमिली ड्रामा गुलमोहर ओटीटी पर रिलीज हुई है, जिसमें उनके साथ शर्मिला टैगोर काम कर रही हैं। मनोज बाजपेयी आजकल ओटीटी के शहंशाह बने हुए हैं। इससे पहले उनकी फैमिली सीरीज भी लोगों को खूब पसंद आई। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।